भगवान शिव जो है अभिषेक प्रिय है, धारा प्रिय है, भगवती अर्चन प्रिय है। और भगवान शिव जो है, भगवान जो है सूर्य नारायण जो है अर्घ प्रिय है। तो भगवान शिव को जो है विशेष करके रुद्राभिषेक किया जाता है, अभिषेक किया जाता है। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनसे अभिषेक करने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। जैसे अगर गंगा जल से अभिषेक करता है व्यक्ति नित्य, तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि दूध से, गाय के दूध से नित्य अभिषेक करता है जातक, तो संतान की वृद्धि होती है, वंश की वृद्धि होती है। अगर धन की कमी हो व्यक्ति को, तो गन्ने के रस से विश्वनाथ जी का, भगवान शंकर जी का अगर अभिषेक अगर व्यक्ति गन्ने के रस से करता है, तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यदि कोई विघ्न बाधा अगर हो या रोग हो शरीर में लग गया हो, तो हल्दी और कुसा के जल से बाबा को अभिषेक करने से जो है विघ्न बाधा और रोग की शांति होती है। यदि किसी के ऊपर कोई शत्रु लग गए हों, तो सरसों के तेल से अगर अभिषेक करता है व्यक्ति, तो उसके शत्रु जो है नष्ट होते हैं। यदि किसी को विद्या की प्राप्ति चाहता है, विद्या चाहता है, तो वह व्यक्ति जो है गुड़ के रस से या शर्करा के रस से अगर अभिषेक करता है, तो उसको सरस्वती की प्राप्ति होती है। यदि कोई रोग से निवृत्ति चाहता है, विशेष करके अगर किसी को शुगर अगर हुआ हो, अगर शुगर जैसी रोगों से निवृत्ति चाहता है, तो अब व्यक्ति जो बेलपत्र के रस से अगर बाबा का अभिषेक करता है, तो शुगर जैसी समस्याएं उसकी जो है ठीक हो जाती हैं। ब्रह्म हत्या जैसे दोष से अगर मुक्त होना चाहता है व्यक्ति, तो भस्म के रस से जो है अगर अभिषेक करता है, तो ब्रह्म हत्या जैसी चीजें जो है समाप्त हो जाती हैं। अपने बुद्धि को विकसित करना चाहता है, तो व्यक्ति दही से अगर अभिषेक करता है, तो बुद्धि उसकी जो है तीक्ष्ण होती है। शहद से अभिषेक करने से आकर्षण बढ़ता है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इत्र से अभिषेक करने से व्यक्ति को ऐश्वर्य और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। जय विष्णु।